judgmental world, when people judge you each and every moment of your life, and in student life, people judge you by your marks, not by your hard work, efforts you put into it. And how to deal with it? प्रतीक्षा, कुछ इम्तिहान मार्क्स पर ही डिपेंडेंट होता है, कुछ प्रतीक्षाएं ओवरऑल भी होती हैं, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम मार्क्स, आपके रिटन में एग्जाम्स कितने हैं, ये है मार्क्स, राइट। उसके बाद जब इंटरव्यू होता है तो आपका ओवरऑल देखा जाता है, फिर इंटरव्यू में नंबर होते हैं। सो एक तरफ मार्क्स को आपको वो भी जरूरी है, राइट, और दूसरा ये है कि आप मार्क्स के हटके इसीलिए इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में आपका ओवरऑल देखा जाता है कि आपकी और क्वालिफिकेशंस क्या है, और काबिलियत क्या है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, उसमें आपके नंबर लगते हैं। तो कई लोगों के नंबर इंटरव्यू की वजह से बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैं थे, मेरा ऐसे ही हुआ था। जब मैंने आईपीएस का अभ्यास दिया, मेरे इंटरव्यू में मुझे बताया गया था कि बहुत अच्छे मार्क्स थे। पता क्यों? क्योंकि मेरी ओवरऑल काबिलियत थी, मैं पढ़ती भी, खेलती भी थी, खिलाड़ी भी थी, एशियन टेनिस चैंपियन थी उस वक्त, और उस वक्त मेरे और बहुत सारी एथलेटिक्स भी थी, डिबेट्स, डेक्लेमेशन भी थी, हेड गर्ल भी थी, बड़ा कुछ था उस वक्त। तो ओवरऑल क्वालिटीज जो मेरी आगे मेरी इंटरव्यू में, और भी हॉबीज मेरी थी, बड़ा हेल्प किया, राइट। सो लिबरल आर्ट्स में उतने नंबर नहीं आते, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था, मेरे लिबरल आर्ट्स से पॉलिटिकल थॉट थी, उसमें शायद फुल मार्क्स नहीं ऐसे आते, लेकिन इंटरव्यू में कवरा। सो कई बारी मार्क्स आपके मार्क्स होते हैं, और कई बारी ओवरऑल भी देखा जाता है। सो जरूरी नहीं है कि आपकी इवैल्यूएशन वहां खत्म हुई, जिस तरीके का टेस्ट है उस टेस्ट के अनुसार आपकी मेजरमेंट होती है। सो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर कोई मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो मेहनत करो,